पढ़े लिखे लोगों ना मैं आखिरी गल कर सानू साडे बुजुर्ग केबलों वाले मौली अब्दुल कवी उन्होंने हवाले करके नहीं गए। एक मौली अब्दुल कवी हो अदाकार टोपी पावे मौलवी की किस्म होंगे। एक मौलवी खादिम मौलवी है जो अपनी पगड़ी ला के मुमताज कादरी के पैर ते रख ए मौलवियों मौलवियों फर्क। मैं मुमताज कादरी के पैर ते अपनी पगड़ी ला के रखी। मैं क्या जनाब बड़ी मेहनत की थी तो छुड़ाने वास्ते हजूर की बरगाह शिकायत न ला असी कसर कोई नहीं छोड़ी। जेलों भी गया दरूके भी गया परचे भी कटवाए अपने घर बार भी लुटवाए तो तुम हजूर की बरगाह शिकायत न ला असी जो कर सकते सी करते रहो। हाँ यह मौलवियों फर्क है जी। एक मौलवी की टोपी कदाकार पावे तो दूसरे दिन कतल भी हो जाए। मौली साहब की इतनी बरकत हसने वाली गल नहीं बचो ये रोन वाली बात। तुसी एको लाठी लैके सारे मौलवियों चिकते हो इन गल नहीं होती ये गलत बात है। तुस मौलवी वेखी कोई नहीं। हाँ तुस मौलवी वेखी कोई नहीं। मौलवी किफायत अली काफी अलामा फजल खैर आबादी काले पानी मिट्टी के टोकरे चा के भी तुसी की समझ दो मैं मुंज दा लिबास पा के भी अरबी हुजूर दी नाता लिख दे। इमाम आजम अबू हनीफा जेल च कोड़े खांदे रहे। इमाम रब्बानी किला गवाली यार जा के भी अल्लाह अकबर दी अज़ाना दे दे। मौलवी तुसी वेखी कोई नहीं। तो ए मौली अब्दुल कवी वेख्या ते जहर बात भी आए वेख्या जड़ा है राव रोया रोया रो इमाम मौलवी इमाम अहमद रजा बरेलवी। मैं पढ़े लिखे लोगों ना पढ़े लिखे तो कोई नहीं होंदे इन्हां नूं कुल्लो वल्लो भी नहीं आंदी पक्की बात है। हाँ जी जिदा जिस कौम का वजीरे दाखला कुल वल्ला ना आवे यार बाकी इस्लाम का तो अल्लाह हाफिज ना कुल वल्ला वहद वलाम यलेद वलाम यलेद। हंसने वाली बातें नहीं बचे ओए रोने वाली बातें। ए बड़ा बैरिस्टर एतराज हसन उसको कुल वल्ला नहीं आई। जिनको कुल वल्ला ना आए उन्होंने हमें बताना है हुजूर की नामूस का मसला क्या है। हमें दाता अली हजवेरी नहीं बताना है हुजूर की अपने गल असी कोई याद साढ़े ना गल करो दीन दी गल समझ आई। हजूर असी इन्हों को गल पुछनी क्यामत तक के साड़ियां नस्लां ते भी कर दे कि जजा ने हजूर के यारह फैसले क्यों नहीं मने। बस बस हजरत उमर एक ना मने मुनाफे कि उमर धौन ला देवन तेना यारह फैसले हजूर के नहीं मने कौन आते सन। बस ये सानू हिसाब दे देन मौली खादिम की गर्दन आ जाए। बस ये कौन आते सन हजूर के फैसले ना नहीं मने इन्हों कुल वल्ला नहीं आती इन्हें हजूर के फैसले नहीं मने। सानू इहदा हिसाब चाहिए। पाकिस्तान अंग्रेजा नहीं मने रसूलुल्लाह के फैसले इल्मुद्दीन नू लटकाया वो गल मनन वाली काफिर सन। ये कलमा पढ़ के हजूर के फैसले नहीं मने ये दसन इहदा सानू जवाब चाहिए। असी मुड़ के मसीती झाड़ू देना है असा कुछ भी नहीं करना। बस इहदा जवाब सानू दे दिओ अज दिओ या कल ये साड़ियां नस्लों उत्ते भी कर्ज़ है। वरना क्यामत वाले दिन मौलवियां पीरां हजूर का जवाब कोई नहीं दे सकना कि तुहाड़े होंदे मेरे यारह फैसले क्यों नहीं मने। बस सानू यह जवाब चाहिए। पढ़े लिखे लोगों वास्ते गल है जी हजूर की शान है कि सानू केबलों के हवाले करके नहीं गए। जिन्होंने कुल वल्ला भी ना आवे केबलों से बह के कहते मेरा ख्याल ही है कि मसला ऐसे होने चाहिए। इमाम बोसीरी फरमाते हैं दा मद्दात हुन नसारा फी नबी यहिमी वहकुम बिमा शेत मदहन फी वहतकिमी फंसु बिला जातिही मा शेत मिन शरफिन وانصب الى قدره ما شئت من عظم فان فضل رسول الله ليس له حد فيورب عنه ناتكم بفمي لو ناسبت قدره ايه عظم الله يسمه حين يدا دار سر رممي. بس امام بصری فرماندے ہیں حد اے وے رسول اللہ دی شان دی کہ حضور نو رب نہیں کہنا تے رب دا بیٹا نہیں کہنا اس کے علاوہ جو چاہ تو حضور کی تعریف کر نہ شرک ہے نہ بدعت